पर अगर अशोक यादव जी अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हो तो वहां के राज्यों का जिक्र करके जहां आपके गठबंधन में मौजूद आपके जो सहयोगी दल है उनके राज्यों की अगर इस तरह की कोई कुकृत्य होते हैं निशंस ऐसे मामले सामने आते हैं तो वो छिप जाते हैं क्या? पूजा जी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो घटना का जिक्र किया था निर्भया का, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि निर्भया के दोषियों को जिस तरह से फांसी दी गई उसी तरह से जो बंगाल में घटना हुई उन आरोपियों को भी फांसी दी जाए। दूसरी बात, आज इस सरकार को बने हुए लगभग 11 साल हो गए पूजा जी, लेकिन 11 साल में किसी आरोपी को इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया किसी को फांसी हुई क्या? बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र में लगातार मोदी जी की सरकार चली आ रही है। कम से कम जो घटनाएं हो रही विभत्स करने वाली मानवता को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लाल किला के प्राचीर से कल बड़ी बड़ी बात मैंने वही सवाल मैंने प्रियंका जी से किया ना कि केंद्र सरकार पर तो चलिए आप सवाल उठा रहे, राज्य सरकार को नहीं घेर सकते ना क्योंकि आपके गठबंधन में है, क्योंकि भाई आपके इंडिया आपका सहयोगी दल है ना। नहीं नहीं पूजा जी देखिए मैंने कहा कि जो भी इसमें आरोपी चूंकि जांच अब सीबीआई के हवाले चली गई तो जो उसमें दोषी पाया जाता है उसको फांसी दिया जाए। वो तो टीएमसी के लोग भी मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस की बहन भी मांग कर, सब लोग यही मांग कर रहे हैं। तो आपको ये गलत नहीं लगता कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से भीड़ उसी अस्पताल को टारगेट बना लेती है? आरोप तो ये भी लग रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, ये ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ वही का जो प्रिंसिपल इस्तीफा उनका लिया जाता है और उसके बाद दूसरे जगह उन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाता है, ये सवालों के घेरे में नहीं है अशोक यादव? पूजा जी देखिए मैं यही कहूंगा कि जो वहां भीड़ थी उस भीड़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि भीड़ में शामिल कौन लोग थे? तो जो आज रेप पे पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी इन्हीं के लोग हो सकते हैं उस भीड़ में शामिल ताकि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि उन आरोपियों के खिलाफ जितना अधिक से अधिक एक्शन लिया जा सकता उतना अधिक से अधिक एक्शन ले रही ममता सरकार। लेकिन आज उस घटना में अगर पूजा जी इस तरह से राजनीति भाजपा कर रही है तो चार उंगलियां इनकी तरफ खड़ी होती हैं। अभी हमारे कांग्रेस तो एक उंगली आपकी तरफ भी तो जा रही है, एक उंगली आपकी तरफ भी जा रही है, तो राजनीति हर ओर से हो रही है। विक्रम सिंह जी, ये महिला सेफ्टी का मुद्दा आखिर कब तक ये मुद्दा रहेगा? कड़े कानून बना दिए जाएंगे, गंभीर है ये मामला, ये तमाम तो बयान हम सुनते हैं लेकिन महिला सुरक्षित कब होगी? पूजा जी निर्भया के बाद 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था जिसमें तीनों अधिनियम आपके बदले गए थे, बड़े कड़े प्रावधान किए गए थे। कानून बनाना और हथियार खरीदना एक चीज है और उसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। कानून बनाने से कहीं होता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति का अभाव जहां कहीं हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा वर्तमान केस को हम ले लें, हम केवल अगर बात करें कि बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ अख्तर अली पूर्व सुपरिटेंडेंट ने जो बयान दिया है उसके ऊपर 24 घंटे में जांच करके कार्रवाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो प्रायोगिक कानून है विद्वान पहले से ये कह रहे हैं, हमें कैसे मालूम? अरे पुलिस तनख्वाह इस बात की लेती है, उनके चार पुश्त ऊपर और भाई बहन सबकी जानकारी ले सकती है और सुसाइड और कंपनसेशन दे करके हमने तो शुरुआती संघ बुनियादी में मट्ठा घोल दिया था, तो हमने तो शुरुआती गलत की थी। तो पूजा जी जब नियत साफ होती है तो काम आसान, और तो नियत साफ हो तभी आगे काम आसान हो सकता है और तभी हम यहाँ पर पीड़िता को इंसाफ दिलाए जाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग द एजेंडा में इतना ही, नमस्कार।